विगत दिनों हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जनपद पंचायत बागली के 118 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतों वही जनपद वार्ड क्रमांक 10 में जनपद सदस्य के निधन होने के बाद पद रिक्त हो गया था। साथ ही एक पंचायत का पद रिक्त था जिसके लिए आगामी 5 जनवरी को मतदान होना है, जिसके लिए निर्वाचन विभाग के आदेश अनुसार निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र बैरवा के नेतृत्व में निर्वाचन की प्रक्रिया की जा रही है। तहसील मुख्यालय पर एक जनपद सदस्य एवं एक पंचायत सरपंच एवं 374 पदों के लिए पंच के नामांकन लिए जा रहे हैं। बुधवार के दिन जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र बैरवा ने बताया कि प्रशासन स्तर से निर्वाचन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। निर्वाचन 2022 के अंतर्गत 15 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर रिक्त स्थानों पे नामांकन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है जो 22-12 तक चलेगी। आज दिनांक तक पंच के 7 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा जनपद पंचायत के 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं और आज भी कई लोग आके नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि अधिकांश पद हम लोग आवेदन प्राप्त करेंगे। सर, निर्वाचन को लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारियां किस प्रकार से पूरी है? क्या प्रशासन स्तर पे जहां जहां पद रिक्त हैं वहां पर ढोंडी पिटवाई गई है और पटवारी सचिव सभी को मुस्तैद किया गया है कि जो यदि मतदान की आवश्यकता पड़ती है तो मतदान केंद्रों की आवश्यक व्यवस्थाएँ कर लें। और इस बार चूँकि जनपद पंचायत का चुनाव EVM से होगा तो उसके लिए भी गाँव में पर्याप्त रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।